आप देख रहे हैं एसआरटीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है स्माइल डेंट एडवांस डेंटल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर नीलेश मिश्रा। सर, आप एक डेंटल सर्जन हो। सर, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि लो इम्यूनिटी और स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से देखा गया कि लोगों में डेंटल संबंधी प्रॉब्लम का रहा है। देखा गया पाइले से भी लोग शिकार हो गए और की भी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके क्लिनिक में किस प्रकार के पेशेंट आते हैं, उस बारे में आप जानते हैं? देखिए, डेंटल के जो पेशेंट्स हैं मोस्टली डेंटल केरीज से रिलेटेड रहते हैं, जो दांतों में सड़न होती है, उसके बाद जो जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम है मसूड़ों से रिलेटेड, उसके भी पेशेंट्स काफ़ी भी बढ़ गए हैं हाल ही में। तो ये सब कॉमन पेशेंट्स आते हैं जो भी दांतों से जो सड़न से रिलेटेड है और अपना जिंजिवाइटिस से। क्या वजह है कि लोग जो मसूड़े के इन्फेक्शन है बढ़ते जा रहा है? हाँ, इसकी क्या वजह है? देखो, सबसे मेन जो रीज़न है वो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाना, वही एक प्रॉपर सबसे मेन रीज़न वही है। बाकी फिर ब्रशिंग हैबिट्स नहीं है उनके प्रॉपर, और ईटिंग जो डाइट जो लेते हैं वो प्रॉपर नहीं होना। अभी अपने इंडिया में उतना अवेयरनेस नहीं है, बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में कैसा रेगुलर डेंटल चेकअप्स होते हैं, तो वो डेंटल चेकअप इंडिया में लोग नहीं कराते जब तक कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते उनमें। तो ये भी एक खास वजह है जो डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिंजिवाइटिस से रिलेटेड। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो है, इसका इफेक्ट डायरेक्ट होते हैं टीथ पे, आइस पे, बोन पे भी होता है। तो जो टीथ है उसका किस तरह का इफेक्ट होता है, उस बारे में? जी, डायबिटीज से रिलेटेड जो बोल रहे हैं, वो डायबिटीज के पेशेंट में जो जिंजिवाइटिस का जो प्रॉब्लम है गम से रिलेटेड वो ज्यादा रहता है। यानी कैसा, उसमें उनकी जो इम्यूनिटी है अपने शरीर की वो कम हो जाती है, तो मसूड़े जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया से, तो इसलिए वो जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम बढ़ता है उनमें, डायबिटीज के पेशेंट में खासकर। ऐसे पेशेंट जिनका ऑर्थोडेंटिक टूथ है, तो उसको किस तरह का आप लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं? कौन सा? ऑर्थोडेंटिक? ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट में वो जो दांत जो आगे आए हैं समझो, या आड़े तिरछे दांत है, उनको वो ब्रेसेस लगा के सीधे करते हैं। उसके लिए वो है ना स्पेशल ट्रीटमेंट में आता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। उसमें क्या करते हैं, जो वो कम एज में जल्दी जल्दी अच्छे से होता है। अगर जो ग्रोइंग एज रहती है पेशेंट्स की अबव 14 ऑनवर्ड्स, तो उसमें कैसा जल्दी वो ट्रीटमेंट रिकवर होता है फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अगर ज़्यादा एज में आप कराएंगे तो फिर वो धीरे धीरे होता है, वो जो ट्रीटमेंट जो है उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का। गुटका, लीवर गुटका है, लीकर है, इसका जो सेवन करते हैं उसका ओवरऑल हेल्थ पे कितना इफेक्ट होता है? गुटका के जो मेन इफेक्ट जो पड़ता है वो है स्टेन्स, दांतों में जो स्टेन्स आते हैं रेडिश कलर के, ब्राउनिश कलर के, वो स्टेन्स काफ़ी बढ़ जाते हैं गुटका पेशेंट में। और गुटका पेशेंट में कैंसर का, ओरल कैंसर का काफ़ी प्रमाण बढ़ता है गुटका वाले पेशेंट्स में। गुटका हो गया या फिर टोबैको हो गया, ये सब हानिकारक है एज कम्पेयर एज ओरल हाइजीन से रिलेटेड, तो ओरल कैंसर का काफ़ी इसमें आ जाता है प्रॉब्लम्स। लोगों को ब्रश टेक्निक्स का ज्ञान नहीं रहता, मतलब ब्रश कितने समय करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो एक तरह से एक भ्रम होता है, उस बारे में बताइए। ब्रशिंग टेक्निक्स से रिलेटेड कैसा, भी दो ट्वाइस अ डे ब्रशिंग तो करना चाहिए सभी ने, सुबह और रात में सोने से पहले। और ब्रशिंग एकदम सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश लेना चाहिए, ज़्यादा हार्ड ब्रिसल भी मसूड़ों के लिए हानिकारक है, तो एकदम सॉफ्ट या फिर मीडियम ब्रिसल वाला टूथब्रश भी ले सकते हैं। और ब्रशिंग टेक्निक बोले तो कैसा, अभी वो एक टेक्निक रहता है, यानी 45 डिग्रीज मसूड़ों से वो ब्रश के ब्रिसल्स रहना चाहिए 45 डिग्रीज अराउंड, और वो मूवमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए, एकदम जिगजैग मूवमेंट जो कहते हैं वैसा नहीं, अप एंड डाउन मूवमेंट में रहना चाहिए। ऐसे पेशेंट जो है जेनेटिक पेशेंट है जिनका टूट गया है, तो उनको जब इम्प्लांट करना पड़ता है, इम्प्लांट, तो इम्प्लांट में किस तरह का आप लोग टेक्निक यूज करते हैं, चाहे ब्रिज हो? हाँ, तो उस संदर्भ बताइए। इम्प्लांट बोले तो कैसा, अभी जो जिनका टूथ लॉस हो गया है, फ्रैक्चर हो गया या ऐसे अपने आप गिर गया है, तो उसमें कैसा वो इम्प्लांट अपन फिक्स करते हैं डायरेक्ट बोन के अंदर, यानी हड्डी जो रहती है जबड़े की उसके अंदर अपन इम्प्लांट फिक्स करते हैं, और फिर इम्प्लांट के सपोर्ट से फिर अपन उस पर दांत बिठा सकते हैं या फिर ब्रिज कर सकते हैं उसमें। तो वो कैसा आपका एक नया दांत जैसा हो गया वो इम्प्लांट बोले,
यानी उसमें अपने को आजू बाजू के दांत का कोई सपोर्ट नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट अपना इम्प्लांट सीधा बोन के अंदर फिक्स हो जाता है। ये भी देखा गया कि आमतौर पे कि जो दांतों में प्लाक की भी समस्या काफी बढ़ती जा रही है, लोग इतना ब्रश करने के बाद भी देखा है उनका पीलापन दूर नहीं होता, डिस्कलर हो जाते हैं तो बराबर, और ब्लीचिंग भी करवाना पड़ता है, लेकिन उससे भी समस्या का निदान नहीं होता। हाँ। तो किस तरह के आपके पास एडवांस टेक्निक की जरूरत है? देखो जो प्लाक और जो कैलकुलस बोलते हैं, पहले तो प्लाक जमता है एक्चुअली, प्लाक यानी सॉफ्ट लेयर रहता, बट वो इनविजिबल रहता, वो दिखता नहीं है, वो प्लाक में जो भी बैक्टीरियाज रहते हैं वो फिर जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है उसमें। तो प्लाक को हटाने के लिए आपको रेगुलर क्लीनिंग करना चाहिए डेंटिस्ट से, प्रोफेशनली नहीं, वो भी 6 साल में 2 बार किया तो भी चलेगा, यानी 6-6 महीने में एक बार क्लीनिंग तो भी कराना चाहिए, तो उससे कैसा प्लाक भी कम हो जाएगा और कैलकुलस भी नहीं जमा होगा दांत और मसूड़ों के बीच में, तो उससे कैसा जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा, यानी जिंजिवाइटिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे प्लाक और कैलकुलस का क्लीनिंग से हट जाने से। अभी देखा जाएगी जो संक्रमण का जो अभी माहौल जो चल रहा है, लोग डरे हुए ओमिक्रॉन से, क्या पेशेंट आते और जबकि डेंटिस्ट का क्लोज कॉन्टेक्ट होता है पेशेंट से, तो किस तरह का आप लोग कोविड का प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हैं, सेफ्टी मेजर्स से आपके बारे में बताइए। पहले तो पेशेंट क्लिनिक में आते ही उसको हैंड सैनिटाइजेशन जो भी है प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करते हैं, और फिर एक तो हिस्ट्री पूछते हैं, डिटेल हिस्ट्री पूछते हैं पेशेंट से कि उनका कहीं पास्ट हिस्ट्री है क्या कोविड से रिलेटेड, उनके फैमिली में किसी को कोविड हुआ या नहीं, या किसी के संपर्क में आए या नहीं, वो सब हम चेक करते हैं हिस्ट्री के थ्रू। और फिर बाद में पेशेंट्स को अगर ट्रीटमेंट कर इमरजेंसी ट्रीटमेंट रहा तो ही हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसको ज़्यादा पेन है तो वो सब इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जो आते हैं वही हम ट्रीटमेंट अभी फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, और जो इलेक्टिव ट्रीटमेंट रहते हैं जैसे क्लीनिंग हो गया, फीलिंग हो गया, जो अवॉइड कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में उनको करते हैं, यानी जो प्रायोरिटी है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट का ही दे रहे हैं फिलहाल कोविड में। सिटी और विदर्भ के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे okay. दर्शकों को आप ये बताइए कि जो आपका स्माइल डेंट एडवांस डेंटल क्लिनिक है, तो किस तरह का एडवांसमेंट है आपके डेंटल क्लिनिक में, और सेकंड थिंग आप ये भी बताइए कि आपका जो पर्टिकुलर क्लिनिक है कहाँ पे, उसका लोकेशन और क्या है? मेरा ये स्माइल डेंट क्लिनिक है बोरगांव स्क्वायर पे, अपना गिट्टी गदान से गोरेवाड़ा रोड के तरफ, और मुझे अभी 5 साल हो गए प्रैक्टिस को। और क्लिनिक में एडवांसमेंट के बारे में आपने जो पूछा, उसमें एक तो डिजिटल एक्सरे है RVG करके, जो कंप्यूटराइज एक्सरे है एज कम्पेयर टू जो अपना लोकल जो पहला जो एक्सरे रहता है फिल्म वाला, उससे थोड़ा एडवांस एक्सरे है ये। तो रूट कैनाल के लिए हम एंडोमोटर यूज करते हैं जिससे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं रूट कैनाल के, और एपेक्स लोकेटर है, और बाकी चीज़ें जो एडवांस ट्रीटमेंट में आते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है उसके लिए खास ऑर्थोडोंटिस्ट बुलाते हैं MDS को, और ये सब एडवांस ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होते हैं। हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि दांतों को सेहतमंद रखने के लिए, उसको चमकीली रखने के लिए किस तरह से उन्होंने अपने केयर करना चाहिए इस बारे में? दांतों को सुरक्षित रखने के लिए एक तो प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट्स और ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, जो भी है ट्वाइस डेली ब्रशिंग करना चाहिए, और रेगुलर डेंटिस्ट विजिट रहना चाहिए, 2-3 महीने में चेकअप कराना चाहिए, क्लीनिंग कराना चाहिए 6-6 महीने में, और जो अपना फूड हैबिट्स है वो भी उस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, यानी रेगुलर ऐसा स्नैकिंग नहीं करना चाहिए बीच बीच में, शुगरी ड्रिंक्स हो गया वो नहीं लेना चाहिए, उससे कैसा कैविटीज और जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ठीक है।